अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे और व्लॉग्स को भी बहुत बहुत पसंद कर रहे होंगे। और अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। तो आज का व्लॉग जो है वो है जी जद्दा का। हम निकले मक्का से जद्दा, जाना था हमने मदीना, लेकिन जद्दा में हमें स्टे करना पड़ा। स्टे हमें कहाँ करना पड़ा? आयशा भाभी और उस्मान भाई जो कि हमारे जर्मनी फ्रेंड्स, आयशा भाभी के रहते हैं जद्दा में भाई, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई की तरफ ज़रूर जाइएगा। तो हम लोग फिर उनसे मिलने चले गए। उनसे मिलने के आगे उन्होंने घर पे रोक लिया। खैर, उनकी इतनी मेहमान नवाजी का बहुत 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 शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से हम उनकी तरफ गए। हमने जाना तो डायरेक्ट मदीना था, लेकिन हम जद्दा में हमने स्टॉप लिया। हमारा था हम 3-4 घंटे यहाँ रुकेंगे, फिर आगे मदीना को निकल जाएंगे। लेकिन हम जद्दा पहुँचे उनकी तरफ, खाना शाना खाया, फिर से खाने का फिर बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खाने के बाद हमने कहा रेस्ट करके अब निकलते हैं। उन्होंने कहा कहाँ भाई, कहाँ को निकलते हो? अभी तो हमने आपको जद्दा घुमाना है। हमने कहा नहीं नहीं, हमें तो इजाज़त, हम चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रुकें। तो हमें जद्दा में उनके पास रुकना पड़ा। हम रुके, फिर हम बाहर निकले। वो हमें जद्दा घुमाने के लिए निकल गए। और जद्दा वाकई में यार क्या ब्यूटीफुल जो है जगह, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। मतलब वहाँ एक बहुत ही प्यारी वाइब आती है, देखकर मज़ा आ रहा था कि यार किसी जगह है, मैं मज़ा आ रहा था। फिर जी घूमते घुमाते देखते दिखाते हम पहुँचे एक मॉल। मॉल गए, मॉल के अंदर गए, घुमा फिरा, शॉप्स वगैरह देखी, कॉफ़ी वगैरह पी। जिन्होंने कॉफ़ी पीनी थी, मैं नहीं पीती, आप सब जानते हैं। कॉफ़ी पी के फिर जी हमने कहा अब हमें दे, एक दफ़ा फिर हमने कहा हमें दे इजाज़त। उन्होंने कहा अभी कहाँ। घुमा फिरा, शॉप्स वगैरह देखी, कॉफ़ी वगैरह पी। जिन्होंने कॉफ़ी पीनी थी, मैं नहीं पीती, आप सब जानते हैं। कॉफ़ी पी के फिर जी हमने कहा अब हमें दे, एक दफ़ा फिर हमने कहा हमें दे इजाज़त। उन्होंने कहा अभी कहाँ, ऐसे कैसे। जी इस मॉल को विज़िट करने के बाद हम जिस जगह गए, मैं कहती हूँ वहाँ जाके सुकून मिल गया। बीच में हम गए जिसका नाम रेड सी बीच था, और भाई वहाँ क्या नज़ारा था। उफ़, मतलब अगर आप लोग बैठ जाओ तो आप बैठे ही रहोगे, बैठे ही रहोगे। बहुत ही प्यारा व्यू था, ये अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। गर्मी बहुत थी और हमारे साथ जुरान था, वो बेचारा बहुत तंग आ जाता था, और हमने आगे भी मदीना के लिए निकलना था। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पर स्टे किया, ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स, और फिर हम निकल गए आगे को। फिर जी हम पहुँचे अल मशहूर अल बैक। उन्होंने कहा, हमने उनको ऐसे ही जिक्र किया कि हमने अल बैक वहाँ पर नहीं खाया मक्का में, क्योंकि हरम के पास जो अलबैक है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो उनका मतलब फुल मेन्यू नहीं होता, चिकन नगेट्स थे सिर्फ। तो हमने वही ट्राई किया, हमने कहा हमने और कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोग सऊदी आए और अलबैक ट्राई नहीं किया, ऐसे कैसे भाई। तो वो हमें ले गए अलबैक जद्दा की उस ब्रांच जहाँ पर सिटिंग है। मतलब उन्होंने कहा कि जद्दा में 2 ब्रांचेज हैं जहाँ पर फुल प्रॉपर सिटिंग हुई हुई है। तो हम उसकी एक ब्रांच पर गए और वहाँ पर जी ऑर्डर वगैरह किया, और वाकई में अलबैक का कोई लेवल नहीं है। हम सुनते थे सिर्फ हाइप क्रिएटर, लेकिन नहीं भाई, मानना पड़ेगा। अच्छा जी, खाना शाना खाने के बाद हमने चाय पी, और फिर आखिरकार अलविदा उन्होंने हमें कह दिया। और फिर हम अपने निकले सफ़र को,
ऑलमोस्ट 10:15 पे, हाँ 10:15 के करीब हम घर से निकल गए और हम लोग मदीना खैर से पहुँचे 2:15 के करीब। हमने चेक इन किया और फिर जाके रेस्ट वगैरह करने, हमने कब सुबह इंशाल्लाह खैर से मदीना चलेंगे। ये था हमारा आज का जिद्दा का व्लॉग छोटा सा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करें, स्टे ट्यून, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।